माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़े का नाश्ता, यानी हम बनाएंगे अपने किचन में आलू चने का सालन और इसके साथ हम बनाएंगे पूरी पराठा। बहुत ही मज़े का ये सालन होता है और पाकिस्तान में चने जो हैं वो तो सबका वैसे ही बहुत ही फेवरेट नाश्ता होता है। मोस्टली लोगों को चने बहुत पसंद होते हैं नाश्ते में, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से अंडे चने के सालन की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और साथ हम इसके बनाएंगे पूरी पराठा। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें शामिल है, हमें चाहिए बॉयल्ड चने आधा किलो, पोटैटोज़ हमने लिए हैं 4 से 5 बॉयल्ड, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर जाएगा, रेड चिली पाउडर इसके अंदर जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून इसके अंदर, ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके अंदर, क्लौंजी जाएगी 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के, ब्लैक पेपर कॉर्न्स थोड़ी सी इसके अंदर जाएंगी, स्प्रिंग अनियन इसके अंदर 1/2 कप जाएंगे, कसूरी मेथी 1/2 टेबलस्पून जाएगी इसके अंदर, और इसके अंदर ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, बॉयल्ड एग्स इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें 4 से 5, वाटर इसके अंदर जाएगा 4 से 5 कप, और इसके अंदर जाएगा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज इसके अंदर जाएंगी, ग्रीन चिली स्लाइस्ड इसके अंदर भी हम ऐड करेंगे, जिंजर इसके अंदर स्लाइस जाएगा गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, पैन के अंदर हम डालेंगे ऑयल, ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, कुछ लोगों को चनों में ज़रा ज़्यादा ऑयल पसंद है, मैंने तकरीबन 1/2 कप ऑयल इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, इसको अब हम अच्छी तरह से पका लेंगे, 3 से 4 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट यानी नमक इसके अंदर जाएगा, मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है, रेड चिली पाउडर भी इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया इसके अंदर डाला है, हल्दी पाउडर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून ही, ब्लैक पेपर पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो इसके अंदर जाएंगे 1/2 टेबलस्पून, या आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, गरम मसाला इसके अंदर जाएगा 1/2 टेबलस्पून, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी इसके अंदर जाएगी 1 टेबलस्पून, क्लौंजी इसके अंदर जाएगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून, और ये जो ब्लैक साबुत मिर्चें हैं वो इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये तो बन गया इसका मसाला। अब हम इसके अंदर जो हमने चने उबाले थे 1/2 किलो, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। चने आप आराम से बॉयल करके रख लें और जब आपको ज़रूरत हो लाइक नाश्ते के टाइम आप जल्दी जल्दी से ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये चने लगते हैं। अब हमने बॉयल्ड पोटैटोज़ लिए हैं तकरीबन 4 से 5, उनके हमने ऐसे क्यूब्स काट लिए हैं, वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो हमने मीडियम टू लो रखनी है इस दौरान। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। अब तकरीबन इसके अंदर जाएगा पानी 4 से 5 कप। आप अपने अकॉर्डिंग पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिनको शोरबा ज़्यादा पसंद है वो पानी को ज़रा ज़्यादा डाल लें, और जिनको नहीं इतना शोरबा पसंद लाइक मसाला मसाला वाले चने पसंद हैं वो कम पानी डालें। अब इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देना है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए लाइक दिस स्टेज, तो हमने इसको मज़ीद कुछ देर के लिए पकाना है। इसकी इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही है, आप लोग इन चनों को ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी इनकी ये रेसिपी। कुछ देर के लिए इनको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। चने हमारे हो गए हैं रेडी। अब इनको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। ये देखिए जिस तरह बिल्कुल बाज़ार से चने मिलते हैं आप लोग नाश्ते में ला के खाते हैं, उस तरह के अंडा चना का सालन हो गया है रेडी। हमने कुछ बॉयल्ड एग्स इसके अंदर डाल दिए हैं।
ये आप पे है, आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज आलू चने का सालन वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और ये आपकी मर्ज़ी है। अब हम चनों को, जब चने पक जाएंगे तो इसके ऊपर ताज़ा हरा धनिया डालेंगे, कुछ हम साबुत मिर्चें डालेंगे 4 से 5 लाइक पूरी वाली ग्रीन मिर्च, और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक गार्निश कर लेंगे। अब हम बनाएंगे पूरी पराठा। पूरी पराठा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे वो मैदा, तकरीबन 1/2 किलो। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, वाटर एज रिक्वायर्ड यानी जितनी हमें ज़रूरत है उतना, ऑयल 3/4 कप इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा। मैदा इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1/2 किलो। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपने आटा गूंदना है आप उतना मैदा यूज़ कर लें। अब हम मैदे को गूंद लेंगे यानी कि आटे को गूंद लेंगे। पूड़ी पराठा के लिए हम मैदा यूज़ करेंगे, गंदम के आटे से ये नहीं बनता। इसके अंदर हमने डाला है नमक 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा इसमें डाला है हमने 1/2 टीस्पून, और ऑयल इसके अंदर हमने डाला है 3/4 कप। अब हम जितना पानी ज़रूरत होगी वो थोड़ा थोड़ा सा करके डालते रहेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बाजार जाके पूरियां नहीं ला सकते, तो आप घर पर ये पूरी पराठा बनाएं और सबको सर्व करें, आपको पूरी की तरह का ही मज़ा आएगा। साथ बेशक आप हलवा बना लें मज़ीद, अदरवाइज़ ये चनों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इसको हमने गूंदने के बाद कुछ देर के लिए रख देना है। और ये काम मेरी मम्मा बहुत अच्छा करती हैं, आटा गूंदने वाला, इसलिए मैं ये काम नहीं करती। अब हमने इसका एक पराठा बना लिया है। पराठे के ऊपर हम लगा रहे हैं ऑयल, आप इसकी जगह देसी घी भी लगा सकते हैं। आई थिंक ये देसी घी है, हाँ जी, मेल्ट कर लिया था हमने देसी घी को और वही हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अब इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से, आप किसी भी तरह से पराठा बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम पूरी पराठे को डाल रहे हैं तवे के ऊपर। ये लेयर्स वाला बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा, और बाकी का जो घी था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखें, ये इतना अच्छा सा बिल्कुल पूरी की तरह फूल रहा है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में पूरी पराठा हो जाता है रेडी। आटे को आप बनाएंगे कम से कम 1/2 घंटे। ये देखें, इस पे बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और पराठा हमारा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर। जी तो गाइस, पराठा हो गया है रेडी, चने हमारे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। अब हम चनों को निकाल लेंगे सर्विंग बाउल के अंदर, साथ आप इसके सर्व करें अचार और साथ आप खाएं चने पूरी पराठे के, तो बहुत ही मज़े का ये नाश्ता लगता है। जी तो गाइस, पूरी पराठा विद अंडे चने का सालन हो गया है रेडी। आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी अंडा चना
और पूरी पराठा कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में हमें भी याद रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।